तो आज हम एक और लोगो बनाने जा रहे हैं जो कि सर्कल और बॉक्स के सहायता से बनेगा। तो हम पहले सर्कल लेंगे जो कि साइज होगा उसका 45 बाई 45, और बॉक्स का भी साइज यही होगा 45। और मैं इसको कर दूंगा सेंटर में, इसको कंट्रोल के साथ ऊपर ट्रैक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा इसे बीच में, और फिर मैं इसको ऊपर के साइड खींच दूंगा। फिर करूंगा कंट्रोल क्यू डबल क्लिक, और मैं देखूंगा डॉट कहाँ पे पड़ रहा है, तो इसको फिर मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे डॉट सा आ जाता है यहाँ पे। फिर इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट, और इसको सेलेक्ट करूंगा डिलीट। फिर मैं इसको करूंगा ऊपर इस तरह से, ये कोना बाहर नहीं निकले यहाँ पे, और दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके, और यहाँ पे इसको कर देंगे मर्ज। फिर यहाँ से ये डिलीट और यहाँ से ये डिलीट। मैं कर दूंगा इसको ब्लैक कलर, और इसको हल्का सा मैं छोटा कर लूँगा अपने हिसाब से। फिर मैं इसको करूँगा डबल क्लिक, ये गोला सा आ जाएगा। फिर ये कंट्रोल के साथ मैं ऊपर ले जाऊँगा, और फिर ये सर्कल बीच में रखूँगा, और मैं इसको इस हिसाब से कंट्रोल आर, ये हो गया। मैं एक और सर्कल लूंगा इसके बीच में। सर्कल लेने से पहले इसको सबको ग्रुप कर लूंगा, मैं पी कर लूंगा बस, और इसको भी पी करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। और मैं करूंगा इसमें ब्लैक कलर, आउटलाइन हटाऊंगा मैं इसका, और F11 करूंगा मैं, फिर यहाँ पे क्लिक, और ये इस तरह से। और मैं इसको कंट्रोल, पहले मैं इसको कंट्रोल एक ई के साथ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले बना रखूँ इसको, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा, इसको PNG करके यहाँ पे फोल्डर, जैसे यहाँ पे ढूंढोगे PNG यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे सेव कर लिया मैंने RGB। ये कोलोरेटर का काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे फोटोशॉप में, मैंने पहली खोल के रख रखा है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोल ओ करूँगा, और यहाँ पे ये फाइल मैंने खोल लिया। इसको ये खोलने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, और फिर करूँगा कंट्रोल ओ, जो कि मैं लोगो लूँगा जो मैंने अभी बनाया, ये शायद वो, हाँ डबल क्लिक किया मैंने, ये आ गया। मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आऊँगा इसको, ये बड़ा हो रहा है, तो मैं करूँगा कंट्रोल टी और कंट्रोल माइनस के साथ ये अंदर गया, छोटा सा हो गया, और मैं इसको यहाँ पे अपने हिसाब से बैठा लूँगा। बैठाने के बाद यहाँ पे ये हो गया, और मैं कंट्रोल प्लस करूँगा, जूम करूँगा, और यहाँ से इसको मिनिमाइज करूँगा, और कंट्रोल एस करने के बाद हमारा ये लोगो तैयार है। अगर आपको भी इस तरह का लोगो बनवाना है तो आप हम मेरे को कमेंट कर सकते हैं।